एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम जो केक बनाने जा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 50 ग्राम हमने मैदा ली है, बहुत ही कम मात्रा में बना के दिखा रही हूँ। 25 ग्राम हमने न्यूट्रलाइट बटर लिया है, मेल्टेड है, और ये हमने पाउडर शुगर ली है 30 ग्राम 30 ग्राम के करीब। आपको मेजरमेंट ना पूरा प्रॉपर लेना है। और कर्ड ली है हमने 50 ग्राम, ये हमने लिया है बेकिंग पाउडर जो 1/4 टीस्पून है, देखिए आप यहाँ पर है, और सोडा भी है, बेकिंग सोडा केवल 1 पिंच लिया है हमने, और लेमन जूस 1/2 टीस्पून है, और इसमें लेमन एसेंस है जो 3 ड्रॉप्स के करीब है, 3 ड्रॉप्स, बहुत थोड़ी मात्रा में बनाने वाले हैं। और ये देखिए, ये हमने सिलिकॉन के मोल्ड में पार्चमेंट पेपर में बटर लगा के इसको लगा दिया है। ये 2 मोल्ड लिए हैं, छोटे छोटे बनाने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एक खाली बाउल ले लिया है, उसमें हमने स्ट्रेनर को लगा दिया है, ये मैदा हम डाल देंगे इसमें, साथ ही साथ इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे, पूरा अच्छे से निकाल देंगे, और इसमें हम ये इसको स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें लम्स ना हों, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए, इसको भी हमने एक बार मिक्स कर लिया। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी है, फिर इसी में हम वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये 3 ड्रॉप लेमन के साथ ही ना हम 3 ड्रॉप इसकी वेनिला की भी डाल रहे हैं, ये देखिए, तो दोनों मिक्स हो गए। और ये हमने लेमन जेस्ट लिया है, बहुत ही थोड़ा सा, देखिए आप व्हाइट पार्ट नहीं इसका लेना, जब ग्रेट करें ना तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऊपर से बस पीला पीला, जैसे ही व्हाइट है ना रोक दो, तो ये बस पीला पीला पार्ट इसका लेना है 2 पिंच के करीब। और ये अब हम ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमने निकाला है ना मैदा और उसको मिक्स करके, इसी में ये लेमन जेस्ट डाल देंगे। ये हमने बाउल ले लिया है, इसमें हम पहले ये मेल्टेड बटर डाल रहे हैं और इसके साथ साथ हम शुगर डालेंगे, और इनको स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। पाउडर शुगर है ये, और जो मेजरमेंट बताया ना उसी को आप करिए, उसी को लेके फॉलो करिए, तो आपके केक जो हैं वो अच्छे बनेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की क्वांटिटी वगैरह लिख दूंगी। और अब हम डाल रहे हैं इसमें कर्ड, और ये एसेंस जो हमने 3 ड्रॉप्स एसेंस लिया था ना वो भी डाल रहे हैं इसमें, 3 हमने लेमन लिया था और 3 वेनीला। अब लेमन जूस डाल देंगे और इन सब चीजों को मिक्स करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अब हम इसमें जो सोडा और पाउडर मिक्स, बेकिंग पाउडर मिक्स मैदा है उसको डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में हमें चलाना है, कट एंड फोल्ड मेथड से, और विस्कर से भी आप कर सकते हो। अब ये रेडी है और देखिए बैटर हम इसमें डाल देंगे। ये छोटे मोल्ड हैं हमारे, बहुत थोड़ी क्वांटिटी हमने बनाई है, ये देखिए, एक और मोल्ड में डाल देंगे। और इसको अब हम थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के ना इसको ऐसे कर देंगे, टैप करके चारों तरफ से, बहुत ऊंचा इसको नहीं भरना है, कुछ इस तरह से, देखिए ये हो गया है। और अब हम इसको बेक करने के लिए रखेंगे, लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। और सब कितना डिग्री पे बेक करना है, क्या है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, कितने मिनट के लिए हमने केक रखा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये देखिए दोनों मोल्ड हमारे तैयार हो गए हैं, ये रहे। ये हमने 130 डिग्री पर बेक होने के लिए रख दिया है। ये देखिए हमने 40 मिनट्स बेक करने के बाद इनको निकाल लिया है, ठंडा कर लिया है, और अब हम इनको डीमोल्ड करेंगे।
तो ये बहुत अच्छा बन गया है। अगर आप कलर कोई ऐड करना चाहें तो कलर कर सकते हैं, बट मैंने इनको एज इट इज रखा है। ये देखिए, वाओ, बहुत ही बढ़िया। और ये पार्चमेंट पेपर लगाने से ना, आप देखिए जाली कितनी अच्छी पड़ी है, उससे बहुत अच्छा हो जाता है ये। ये देखिए, तो ये बहुत कम क्वांटिटी में मैंने बनाया है, आप थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, उसका डबल कर सकते हैं, और बहुत ही यमी ये बने हैं। इनको सीधा कर लेते हैं, ये देखिए कितनी जाली, ऊपर से भी मैं आपको पास से दिखाऊं, बहुत अच्छे से पड़ी है जाली, तो बहुत ही यमी केक ये बनकर तैयार हैं। ये देखिए पीछे से देखिए, तो आप बना सकते हैं, देखिए लेमन जेस्ट भी आपको दिख रहा होगा, येलो येलो, तो कट करते हैं। ये देखिए, तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। और ये देखिए हमारी यमी से केक बनकर तैयार है, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितनी सॉफ्ट है, ऐसे टूटा जा रहा है केक, देखिए, और कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो चिपक रहा है, स्पॉन्जी बना है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए चारों तरफ से देखिए, बहुत ही बढ़िया केक है, तो है ना यमी, करेंगे ट्राई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।